गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गगा थाना क्षेत्र में पेड़ काटने के विवाद में डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी। सगे भाई ने अपने साले के साथ मिलकर की भाई की पत्नी और उसके बेटे की नृशंस हत्या। एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर की जा रही है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। मंडयुक्त ने किया मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का निरीक्षण। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। कहा 31 अगस्त तक शुरू हो जाएंगे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का संचालन। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश CDF यूपी ने खत्म की दवा विक्रेता समिति भालूटिया मार्केट की संबद्धता। CDF जोन 12 के महामंत्री पद से दवा विक्रेता समिति गोरखपुर के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे को भी हटाया। अध्यक्ष योगेंद्र ने कहा संगठन से वार्ता करके की जाएगी आगे की कार्रवाई। फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर और एम्बुलेंस चालकों से CDO एवं ADM सिटी ने की बैठक। जाना उनकी समस्याओं को, बढ़ाया उनका आत्मबल। कहा अच्छा कार्य करने वाले फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर एम्बुलेंस चालकों को किया जाएगा पुरस्कृत। CEO कैंट के नेतृत्व में पुलिस और LIU की टीम ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। CEO कैंट ने कहा नहीं मिला संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु। गोरखपुर में रविवार को कोरोना के 295 मिले नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 7303। कोरोना संक्रमण के कारण एक मरीज की हुई मौत। होम आइसोलेशन इज ओवर मरीजों की संख्या हुई 3313। एक्टिव मरीज हुए 2724। CMO डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने दी जानकारी। शासन के द्वारा 2 दिनों के लिए लगाए गए लॉकडाउन का दिखा असर। मार्केट एवं सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एसपी सिटी ने लोगों से की अपील। कहा लॉकडाउन के नियमों का करें पालन। और शनिवार की रात से हो रही बारिश से लोगों को मिली उमस और गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 दिनों तक है बारिश के अनुमान।